In this question, a board lies on the top of two uniform cylinders that lie on a fixed plane inclined at an angle theta as on the figure. The board has mass small m and each of the cylinders has mass m by 2. The system is released from rest. If there is no slipping between any of the surfaces, what is the acceleration of the board? So in this question, isme yahan par isko release kar dete hain from rest aur uske baad mein is board ka acceleration pucha gaya. To is question ko main दो मेथड से यहाँ पे करूँगा, ठीक है. एक तो यूजुअली जो हम फोर्स और टॉर्क मेथड यूज़ करते हैं, एक तो उसका यूज़ करेंगे और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हम यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे इस तरीके के प्रॉब्लम्स में. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लेट अस फर्स्ट डू दिस प्रॉब्लम यूजिंग फोर्स और टॉर्क मैथड एज यूजल. सो मैथड नंबर वन, तो मेथड नंबर वन में अब यहाँ पे इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे और यहाँ पे कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं है, तो इसका मतलब सिलेंडर्स की रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही होगी. तो देर इज़ नो स्लिपिंग एनीवेयर. तो स्लिपिंग कहीं पर भी यहाँ पर इसमें नहीं है, देर इज़ नो स्लिपिंग. तो स्लिपिंग अगर नहीं है तो मैं अगर सपोज़ इनके सेंटर का एक्सेलरेशन, जो सिलेंडर यहाँ पर, इस सिलेंडर के सेंटर का एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पर सपोज़ ए ले लेता हूँ, तो लेट से दिस ए इज़ दी एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर और सपोज दिस इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी अल्फ़ा. सो सपोज दिस सिलेंडर इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं चाहता हूँ कि देर इज़ नो स्लिपिंग, तो फॉर दैट देर इज़ अ सिंपल सिचुएशन, सिंपल कंडीशन, ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर. सो ए मस्ट बी इक्वल टू अल्फ़ा आर फॉर दैट, एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट विल हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए प्लस अल्फ़ा आर. ए टॉप will be a plus alpha r. These are very basic relations, and a and alpha r both are equal, so this will be equal to 2a. And for no slipping, ये जो board है, इस board का भी acceleration जो होना चाहिए वो topmost point यहाँ पर उसके बराबर होना चाहिए. तो this board is accelerating with acceleration equal to 2a. तो इसका acceleration 2a हो गया. और obvious है कि यहाँ पर इस contact पर भी वैसा ही होगा. तो बोर्ड का एक्सेलरेशन 2a और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a, और उसके लिए फिर सेंटर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए. सेंटर का एक्सेलरेशन हाफ हो जाता है, वेलोसिटी हाफ हो जाती है, ठीक है. तो एक्सेलरेशन दिस इज़ a, और फिर यहाँ पर भी मुझे चाहिए कि देर इज़ नो स्लिपिंग, तो उसके लिए a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर होना चाहिए. दोनों की रेडियस इक्वल है, तो अगेन इट विल बी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन. तो बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. दोनों सिलेंडर्स का एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, और बोर्ड का एक्सेलरेशन, बोर्ड प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो बोर्ड का एक्सेलरेशन विल बी 2a. अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स, तो जैसे अगर मैं बोर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो बोर्ड में कुछ इस तरह की सिचुएशन है. इसमें अलोंग द इंक्लाइन में यहाँ पे फोर्सेस दिखा रहा हूँ जस्ट. तो दिस विल बी एम जी साइन थीटा, और सपोज जो दो फ्रिक्शंस यहाँ पर हैं दोनों कॉन्टेक्ट्स पे, सपोज दोनों फ्रिक्शन मैंने इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिए, और जो दोनों सिलेंडर्स हैं, इन सिलेंडर्स पे ये फ्रिक्शन जो होंगे वो अप द इंक्लाइन इस तरीके से लग रहे होंगे. और सपोज़ जो यहाँ पर बॉटम के साथ में इनका कांटेक्ट है इंक्लाइन प्लेन के साथ में, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन सपोज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस तरीके से बैकवर्ड आ रहे हैं, दोनों पे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है. और एम जी का कंपोनेंट यहाँ पर एम बाई टू जी साइन थीटा, मास इज़ हाफ, ठीक है. एग्जैक्टली वैसा वहाँ पर भी हो जाएगा, तो उसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस सिलेंडर पे हम लोग देख लेते हैं. तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इज़ 2a और इसका एक्सेलरेशन विल बी a एंड इट इज़ रोटेटिंग विद अल्फ़ा, ठीक है. सो वी कैन राइट द इक्वेशंस एंड वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशंस. सो राइटिंग द इक्वेशंस, तो इक्वेशंस लिखते हैं. तो अगर मैं बोर्ड के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, तो बोर्ड के लिए सिंपली एम जी साइन थीटा प्लस 2f, दिस इज़ इक्वल टू मास इंटू 2a. So this will be equation number वन. And for this cylinder, सिलेंडर के लिए अगर equation लिखते हैं, तो सिलेंडर के लिए equation या तो हमें दो equation लिखनी होगी अगर मैं इसमें एक translational Newton's laws of motion की equation अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर along this incline, तो उसमें f और f1 दोनों आएंगे यहाँ पर, और f1 भी एक extra variable होगा. तो उसके लिए फिर हमें एक और टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो टॉर्क वी कैन राइट अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ठीक है. या फिर हम इस पॉइंट को भी ले सकते हैं जो कि कांटेक्ट में है इंक्लाइन प्लेन के साथ में. दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट.
और इसके अबाउट भी वी कैन राइट टॉर्क। लेकिन जैसे जब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, जब एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, जैसे मैं इसको अलग से दिखाया था यहाँ पे, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके इसमें इस पॉइंट के जो एक्सेलरेशन होंगे, इसका ए होगा, फिर अल्फा आर होगा यहाँ पर इसमें, ठीक है, और उसके अलावा इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ए और अल्फा आर तो बैलेंस हो जाते हैं, तो ये दिस टू विल बी कैंसल्ड, और ओमेगा स्क्वायर आर, तो दिस पॉइंट इज एक्सेलरेटिंग, तो अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखता हूँ तो आई हैव टू इंक्लूड सूडो फोर्स, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास पे हमें लगाना होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर आप सूडो फोर्स लगाओगे इस तरीके से, तो दिस विल बी एम बाई टू ओमेगा स्क्वायर आर, और अल्टीमेटली ये इसी पॉइंट से पास हो जाएगा, तो इसका मतलब कि सूडो टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है, देर इज़ नो सूडो टॉर्क, क्योंकि फोर्स यहीं से पास हो जाएगा। सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई किया तो ये ओमेगा स्क्वायर आर के अपोजिट हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी सूडो टॉर्क। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखता हूँ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं टॉर्क की इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू अल्फ़ा। तो टॉर्क अगर मैं लिखता हूँ तो टॉर्क सिंपली यहाँ पर फिर एफ का आएगा, ठीक है, और इस एम जी साइन थीटा का आएगा, तो इसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा एम बाई टू जी साइन थीटा इन टू आर, और उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन और डिस्टेंस विल बी टू आर, ओके, तो एफ इंटू टू आर, एंड आई विल बी आई अबाउट दिस, तो आई अबाउट सेंटर विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू एंड प्लस एम आर स्क्वायर, सो इट विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2, बट एम इज़ एम बाई टू, तो 3/2 एम बाई टू आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा वी कैन राइट ए बाई आर, सो फ्रॉम हियर दिस आर इज़ कैंसल्ड एंड दिस आर इज़ ओवरऑल कैंसल्ड, सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन एलिमिनेट दिस फ्रिक्शन एफ एंड वी कैन ईजली फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए, सो ए विल कम आउट एज, तो यहाँ से जो ए आएगा वो 6g sin θ/11 आ रहा है, और बोर्ड का एक्सेलरेशन 2a होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोर्ड विल बी डबल ऑफ दिस, इट इज़ 12g sin θ/11। या फिर इसमें हम अगर इक्वेशन, अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस को अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर हमें वी हैव टू राइट टू इक्वेशंस, वन इज़ ट्रांसलेशनल इक्वेशन, सो आई एम जस्ट राइटिंग द इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दिस, सो इट इज़ एम बाई टू जी साइन थीटा, दिस इज़ ट्रांसलेशनल इक्वेशन, एंड माइनस एफ वन दिस इज़ इक्वल टू एम बाई टू इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। एंड टॉर्क अबाउट सी एम दिस इज़ इक्वल टू आई अबाउट सी एम इंटू अल्फ़ा, सो टॉर्क अबाउट सी एम में दोनों फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो जो एफ वन है उसका क्लॉकवाइज और जो एफ है उसका एंटी क्लॉकवाइज, तो एफ वन इंटू आर माइनस एफ इंटू आर दिस इज इक्वल टू आई, आई विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू, सो टू इज़ ऑलरेडी हियर, एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा इज़ ए बाई आर, सो वी कैन सॉल्व इक्वेशन 1, 3 एंड 4, सो फ्रॉम 1, 3 एंड 4 वी कैन इजली फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बोर्ड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, सो दिस इज़ 12g sin θ/11, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रेटर देन जी साइन थीटा, दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, जो हमने सही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन एज्यूम किया उसे डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ एम जी साइन थीटा होता तो उसके इसमें जी साइन थीटा एक्सेलरेशन आता, और फ्रिक्शन अगर बैकवर्ड होता है तो फिर जी साइन थीटा से भी कम हो जाता, लेकिन इट इज़ ग्रेटर देन जी साइन थीटा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने इसमें सही दिखाया हुआ है। नाउ आई एम यूजिंग माई मैथड नंबर टू, मैथड नंबर टू इज़ यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, एंड दिस मैथड विल बी समवॉट ईजियर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कई बार रोलिंग किस तरह के सिचुएशंस में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मैथड भी अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है, बिकॉज देर इज़ नो स्लिपिंग, तो कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं है, और फ्रिक्शन जो भी होगा स्टैटिक होगा, ठीक है, तो सिंस नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं पर भी कोई स्लिपिंग यहाँ पर नहीं है, तो फ्रिक्शन इज स्टैटिक, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है दैट विल बी ज़ीरो। तो मैं पूरे को अगर मैं एज ए सिस्टम यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, दिस होल एज ए सिस्टम, द टू सिलेंडर्स एंड द बोर्ड, सबको सिस्टम मैंने ले लिया यहाँ पे, तो फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक है वैसे भी, ठीक है, यहाँ पे तो इंटरनल ही हो गया, और इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन जीरो हो जाता है, यहाँ पर भी ये वेज पे तो कोई वर्क होगा नहीं, और इस पे भी इंडिविजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन विल बी ज़ीरो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन विल बी ज़ीरो ऑन दिस सिस्टम, तो किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस यहाँ पर नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, तो किसी भी तरीके का एनर्जी लॉसेज यहाँ पर नहीं है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि किसी भी टाइम पे, लेट से कि
इसके जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वी है, इसके सेंटर की वेलोसिटी वी है, और फिर उस केस में वी इज़ इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो। और उस केस में अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी टू भी हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन फॉर ए टाइम इंटरवल अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। तो सपोज़ इसका जो सेंटर है इसके सेंटर का डिस्प्लेसमेंट एल के इक्वल हो रहा है, तो जो सिलेंडर्स हैं उनके सेंटर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज़ वो एल के इक्वल है, तो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए, इसकी वेलोसिटी वी, और जस्ट डबल होगा बोर्ड के लिए, तो बोर्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लेट अस राइट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन। तो जब मैं बोर्ड के लिए लिखूंगा तो बोर्ड के लिए हो जाएगा हाफ एम और वेलोसिटी विल बी 2v, तो 2v स्क्वायर। और जब मैं इनके लिए लिखूंगा तो इनमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए जो टोटल एनर्जी लिखनी है, तो टोटल एनर्जी लिखने के लिए अगर कोई सिलेंडर अगर सपोज यहाँ पे प्योर रोलिंग करता है तो इसकी एनर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट विल बी, अगर इसका मास अगर एम है सपोज, तो 3/2 mr², ये इसका आई हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 3/4 mv² ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाफ मास इनटू vcm सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी स्क्वायर प्लस हाफ icm दैट इज 3/2 mr² इनटू ओमेगा स्क्वायर। सॉरी 3/2 नहीं होगा आपके पास, दिस विल बी, दिस इज नॉट 3/2 नाउ, दिस विल बी ओनली mr², सो दिस विल बी ओनली mr², mr² by 2, सॉरी दिस इज mr² by 2, तो हाफ आई v² by r², सो हाफ प्लस 1/4, दिस विल बी 3/4 mv². सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर्स इन प्योर रोलिंग इज 3/4 mv², सो इट इज 3/4 फॉर m, इट इज m/2, तो 3/4 m/2 v² वेलोसिटी इज v ऑफ सेंटर, और दोनों के लिए वही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सपोज अगर इसका डिस्प्लेसमेंट l हुआ है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर l हुआ है अलोंग द इंक्लाइन, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकली कितना नीचे आया होगा, l sin थीटा, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर l है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी l sin थीटा। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मास इज m/2 इंटू g इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट l sin थीटा, और दोनों के लिए है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मास m ऑफ बोर्ड इंटू g, और उसका है 2l, तो 2l sin थीटा हो जाएगा। तो इसके बाद में बस यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, या फिर v स्क्वायर जो भी है, तो v हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, तो v यहाँ पर आ जाएगा, इट इज़ 12/11 lg sin थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v। अब देखो यहाँ पर जो भी ये v है सिलेंडर के लिए, और मुझे पता है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तो अगर सिलेंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इफ़ सिलेंडर इज मूविंग, यानी कि मैं उसके सेंटर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर, इफ सिलेंडर इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सपोज ए, तो अगर अलोंग द इंक्लाइन इट कवर्स अ डिस्टेंस एल, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी एल डिस्टेंस कवर करने के बाद में वो हो जाएगी 2al, ये वेलोसिटी हो जानी चाहिए थी। और अब मैं अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर दूँ, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन कंपैरिजन ऑफ दिस टू एक्सप्रेशंस ये हो जाएगा आपका 6g sin θ/11, ओके, सो दिस विल बी 6g sin θ/11, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, vd/dl कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज सिंपली vdv/dl, ठीक है, इस तरीके से भी इसको लाया जा सकता है एक्सेलरेशन को, या फिर इस तरीके से मुझे पता है कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 6g sin θ/11, और जो बोर्ड है उसका एक्सेलरेशन डबल होगा, दैट विल बी 12g sin θ/11। सो एनर्जी कंजर्वेशन में हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशंस लिखनी पड़ रही थी यहाँ पर इतनी सारी बार बार, और ये फोर्सेस टॉर्क ये सब देखना पड़ रहा था, उससे यहाँ पर हम बच गए, इसमें कहीं पर फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आया, फ्रिक्शन का वर्क डन स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो गया।